we discussed about the discovery of auxin test. कैसे किया जाता है उसको हम बायो ऐसे बोलते हैं इन बॉटनी. तीसरा हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. चौथा हमने बताया आपको कि ऑक्सीजन होती कहाँ पे है, ये हार्मोन जो है प्रेजेंट होता कहाँ पे है. अब हम रोल की बात करेंगे, ऑक्सीजन के रोल की. यही आपके एग्जाम में है. पहला रोल, इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस, सर ये एपिकल डोमिनेंस होता क्या है, इसका काम है हाइडर. अगर ये प्लांट है बेटा, एपिकल मींस टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको एक डोमिनेंट कराएं कि उसकी ग्रोथ इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस. इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. अब इसके बदले लिख सकते हैं एपिकल डोमिनेंस के बदले इट increases the length of the plant, मगर साथ में बेटा ये एक काम कर रहा है. अगर ये प्लांट है बेटा, these branches are called over lateral branches. इसका काम है खाली एक्सिस को बढ़ाना, लेकिन ब्रांचिंग को ये प्रमोट नहीं करता है. इट सप्रेस ब्रांचिंग. अब लिखेंगे वो, इट इंक्रीज द लेंथ बट सप्रेस द ब्रांचिंग, बट सप्रेस द लेटरल ब्रांचिंग, बट सप्रेस द लेटरल ब्रांचिंग. मतलब सर इसकी एडवांटेज क्या है, देखो भाई एक चीज करेंगे हम जब भी चाहते हैं कि पौधा बिल्कुल पतला ऊपर लंबा गया, ये मोटा होना चाहिए, तो वी आर कटिंग इट एट द टॉप. हम इसका टिप काटते हैं और उसका एडवांटेज क्या हुआ होगा, आपने बिल्कुल गार्डन में देखा होगा, जब हमने बेटा इसका टिप काटा तो इसकी ब्रांचेस की ग्रोथ होगी, इसकी लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ होगी. जब लेटरल ब्रांचिंग की ग्रोथ होगी तो अगर आपने देखा एक प्लांट किसी एक जगह है लेकिन उसकी ब्रांचेस ऐसे ऐसे छाया बनाती हैं, विच इज कॉल्ड हेज मेकिंग. इसको हम हेज मेकिंग कहते हैं. ये कब कर सकते हैं, जब हम एपिकल टिप को काटेंगे तो हेज मेकिंग. अक्सर पार्कों में देखा जाता है, अक्सर पार्कों में बागों में देखा जाता है कि ऊपर से प्लांट को काटा जाए ताकि ये ब्रांचिंग लेटरली, पौधा जो है लेटरली मूव करे, हॉरिजॉन्टली मूव करे, और ये डेकोरेट अट्रैक्शन करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्शन करता है हर एक चीज को. कोई भी इंसान चाहता है कि मैं इस प्लांट के नीचे बैठूं. इसका फायदा ये है जब हम इसका टॉप काटेंगे तब ये इस तरह लेटरल ब्रांचिंग होगी. उसके बाद यही टॉप का काटना जो टी कल्टीवेशन करते हैं असम में, जो टी उगाते हैं चाय के पौधे, अगर हम बेटा वो इसका टिप नहीं काटेंगे तो टी का पौधा बिल्कुल लंबा हो जाएगा और उनको सीढ़ियां लानी पड़ेगी टी के लीव्स उतारने के लिए. सो बेटा ये इस टी लीव्स के जो है इसका एपिकल शूट काटते हैं ताकि ये बिल्कुल ऐसे रहे, इसकी लेटरल ब्रांचिंग हो जाए और टी कल्टीवेशन में इजाफा हो जाए, बहुत सारे लीव्स बन जाए. और ये फायदा इसका है एपिकल टिप को जब हम काटेंगे, ये फायदा एक हुआ. तो ये रोल था, रोल क्या है, इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, मतलब इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट, एंड जो लेटरल ब्रांचिंग है उसको ये बिल्कुल रोकता है. अब फायदा किसको मिलेगा, फायदा हॉर्टिकल्चर वालों को मिलेगा ऐसा करने से. टिप जब वो काटेंगे तो हेज मेकिंग होगी और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दैट हेज मेकिंग प्लांट. या टी कल्टीवेशन जो कर रहे हैं उनको सीढ़ी लानी पड़ेगी या ऊपर तक जाने के लिए,
टी लीव्स उतारने के लिए, तो वो क्या करते हैं ऊपर का ये टिप काटते हैं ताकि लेटरल ब्रांचिंग हो जाए और लेटरल ब्रांचिंग में लीव्स आएंगे, लीव्स टी लीव्स जो है वो कल्टीवेट करेंगे फिर बाद में। ये पहला रोल। दूसरा रोल ये है इट प्रमोट्स, मैं डिफरेंट पेन यूज करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, इट प्रमोट्स रूटिंग, इट प्रमोट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग। वाह वाह वाह, व्हाट इज स्टेम कटिंग? सर जो भी बाग वाले होते हैं शुपया इलाके के होते हैं छोटे छोटे वो कलमे बनाते हैं, व्हेन दे आर प्रूनिंग देयर ट्रीज, एप्पल ट्रीज, एप्पल प्लांट्स वगैरह जो काटते हैं फिर वही वो बोते हैं, छोटी छोटी कटिंग बोते हैं और उस कटिंग से क्या निकलाते हैं, ये छोटे छोटे कटिंग्स हैं। मैंने ये सॉइल में बोए, अगर इनमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो रूटिंग नहीं होगी। तो बेटा इन्हीं स्टेम कटिंग में क्या होती है, रूटिंग, रूट निकलाते हैं। और यही छोटा वाला स्टेम जो कटिंग है इसको हम 200-300 में बेचते हैं बाद में, तो कमर्शियल यूज के लिए है, इकोनॉमिकल है। स्टेम कटिंग के लिए रूट बनना, उनके लिए ऑक्सीजन रूट बनाता है, अगर ऑक्सीजन उनमें नहीं होगी तो रूट भी नहीं बनेगी, तो इट प्रमोट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये दूसरा रोल। तीसरा रोल, रोल नंबर थ्री बेटा ये क्या करता है, इट इज यूज्ड इन पार्थिनोकार्पी। सर व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। पार्थिनोकार्पी का मतलब हो गया सर पार्थिनोकार्पी। बेटा मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं लिख बनाऊंगा यहां पे कार्पल, फ्लावर की कार्पल फीमेल पार्ट, और मैं बनाया यहां पे मेल पार्ट स्टैमन एंड कार्पल। पहले पार्थिनोकार्पी समझो कि होती क्या है और ये कौन सा फायदा देगी। देखो बेटा ये फीमेल है, फ्लावर में होती है फीमेल पार्ट और ये होता है मेल पार्ट। जब भी वीड चलती है, जब भी हम पानी स्प्रिंकल करते हैं, दवाई छिड़कते हैं कुछ भी, तो यहां से हाइडर पोलन ग्रेन्स उठ के इसमें आते हैं, इस ओवरी में आते हैं, कार्पल की ओवरी में आते हैं और ये पोलन ट्यूब बनाते हैं, यहां तक इसको फर्टिलाइज करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन से बेटा जो इसके अंदर ओव्यूल्स थे, ओव्यूल्स को बन गया सीड, ओव्यूल्स सीड्स में बन गए, चेंज हो गए, और जो ये ओवरी थी हाइडर इसमें बन गया फ्रूट। तो हमेशा याद रखना जो फ्लावर की ओवरी होती है इट चेंजेस इनटू फ्रूट, बट द ओव्यूल्स इन ओवरी चेंजेस इनटू सीड्स। तो बेटा मैं एक बात बोलूंगा आपको, मुझे जूस बनाना है, मैं जूस बेचता हूं, चलो ग्रेप्स का जूस, अगर ग्रेप्स के अंदर हाइडर सीड होगा तो कौन पिएगा वो जूस? यार ये बकवास जूस है, इसके अंदर सीड है, मुझे सीड्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे हम करते हैं पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी मीन्स हम सीड लेस फ्रूट बनाएंगे। ओव्यूल्स को रिमूव करेंगे। सी हां वेरी नाइस। सीडलेस फ्रूट कैसे बनाएंगे ओवेरम? हम एक काम करेंगे, हम यहां पे पोलन को नहीं रखेंगे, हम सीधे ऑक्सीजन को इसके ऊपर डालेंगे। ऑक्सीजन डाला, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन को करना था पोलन ग्रेन को हमने छोड़ दिया, लेकिन ऑक्सीजन को डाला, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने फर्टिलाइजेशन नहीं की, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया।
फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास तो जरूरी है स्टेमन, दिस वन है ना, लेकिन हमने इसको बाहर निकाला, एक्सक्लूड किया और ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, तो ऑक्सीजन से हमने फूड बनाया सर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ओव्यूल्स ओव्यूल्स ही रह गए। जब भी हम जूस बनाएंगे हम बोलेंगे कि आई वुड लाइक टू ईट सीडलेस फ्रूट, आई वुड लाइक टू ईट सीडलेस ग्रेप्स, नहीं पापा मुझे वो ग्रेप्स चाहिए जिनके अंदर सीड नहीं होती है। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स वो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब हम फ्रूट बनाएंगे किसके बगैर, फर्टिलाइजेशन के बगैर, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, और पार्थेनोकार्पी हम करेंगे किससे, ऑक्सीजन से, और ये उसको मदद देगा फ्रूट वाले इंडस्ट्री वाले को, जो जिसके पास जूस की फैक्ट्री है उसको आसानी होगी, वो पैसा कमाएगा, समझ आई। इट वॉज रोल नंबर थ्री, नाउ लेट अस टेक रोल नंबर फोर। रोल नंबर फोर वेरी वेरी गुड रोल एंड इंटरेस्टिंग टू रिमेंबर। जिगर ऑक्सीजन का रोल है, इट इज यूज्ड एज वीडिसाइड, ओहो इट इज यूज्ड एज वीडिसाइड, वीडिसाइड इज अ केमिकल, जैसे ग्रास होता है ना लॉन में बागों में जो ग्रास होता है अनवांटेड, उसको निकालना जरूरी है, उसके लिए क्या करते हैं वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सर ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया है वीडिसाइड, तो कैसे किया, देखो भाई जो हमारा लॉन ग्रास होता है इधर, यानी कि जो हमारे घरों में पार्कियां होती हैं, हमें वो रनर चाहिए जिसको कश्मीरी में द्रमण कहते हैं, रनर ये मुझे चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो वीर चढ़े हुए हैं वो मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं बेटा, रनर इज अ मोनोकॉट, रनर इज बट वीड्स आर डाइकॉट, वीड्स आर डाइकॉट, व्हेन वी आर स्प्रिंकलिंग ऑक्सीजन ओवर द ग्रास इट ओनली डिस्ट्रॉयज डाइकॉट्स, इट कुड नॉट डिस्ट्रॉय मोनोकॉट। सो ऑक्सीजन जो है इसने डाइकॉट को खत्म किया, और जो रनर था यूज द्रमण वो जो है वो बिल्कुल सेफ ऐसा सेफ रहा, और इसको इस्तेमाल किया गया वियतनाम में भी, एक जगह है वियतनाम में, वियतनाम जो एक जगह है उसका उन्होंने नाम रखा था एजेंट ऑरेंज, एक प्रोसेस का नाम रखा गया एजेंट ऑरेंज। सर व्हाट इज दैट एजेंट ऑरेंज, मैं लिखूंगा एजेंट ऑरेंज। बेटा जो भी ट्रूप्स थे वियतनाम में, उनको ट्रूप्स को सर्च करना था, फायर करना था, वो ट्रूप्स जो थे इन डाइकॉट्स के पीछे छुप जाते थे, तो चलो यहाँ पर ट्रूप्स छुपे हुए हैं, हिडन ट्रूप्स, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने स्प्रिंकल किया इसी ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ने क्या किया सारे डाइकॉट प्लांट्स को खत्म किया, और जो हिडन ट्रूप्स थे वो दिखाई दिए, सारे डाइकॉट मर गए, सारे डाइकॉट खत्म हो गए, जल गए ऑक्सीजन से, और ट्रूप जो छुपे हुए थे वो नजर आए, तो इसको एज ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया गया एज एजेंट ऑरेंज, उस मिशन का नाम रखा गया था एजेंट ऑरेंज, उसने डाइकॉट को खत्म किया, मोनोकॉट को रखा, और सारे जो मिलिट्री वाले थे ट्रूप जो थे वो बिल्कुल इन्हीं डाइकॉट जो प्लांट्स थे ट्रीज थे इनके पीछे या इनके साए में छुपे हुए थे, और ये नजर नहीं आ रहे थे, तो क्या किया गया ऑक्सीजन वॉज स्प्रिंकलर ओवर देयर, डाइकॉट्स वैनिश्ड, डाइकॉट्स बर्न डाउन एंड द हिडन ट्रूप्स वर विजिबल इजीली फाइंड आउट, इट वॉज द रोल नंबर फोर। नाउ लेट अस टेक और लेट अस मूव फॉरवर्ड्स रोल नंबर फाइव, रोल नंबर फाइव, जो प्लांट्स की सेल्स होती हैं उनको ये डिवाइड करता है,
इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, तो लिखेंगे आप इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, और बेटा एक काम करता है, एक एक्स्ट्रा मैं सिक्स लिखूंगा, रोल नंबर सिक्स, इट प्रमोट्स, इट प्रमोट्स हाइदर जाइलम, जाइलम की डिफरेंशिएशन, क्या काम करता है वही ऑक्सीजन, मतलब ये देख बेटा एक ही सेल है, प्लांट तभी बढ़ेगा जब ये सेल डिवाइड करेगी, एक सेल डिवाइड होके दूसरी सेल बनाई, दूसरी सेल ने डिवाइड किया तीसरी सेल बनाई, तो इसकी ग्रोथ बढ़ती गई। इसी तरह जो जाइलम है जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट करता है रॉ मटेरियल वाटर एंड मिनरल्स बढ़ाया हुआ है, वो जाइलम कहाँ कहाँ पाया जाता है सर? रूट में भी है, फ्रूट में भी है, लेंटिसल्स में भी है, ब्रांचेस में भी है, एपेक्स में भी है, हर जगह जाइलम है। तो उसको डिफरेंशिएट करना किसका काम है? ऑक्सीजन का काम है। एंड लास्ट रोल ऑफ द ऑक्सीजन इज दैट इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, रोल नंबर सेवन, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, पाइन एप्पल में ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है। तो आई थिंक इट इज इनफ टुडे, थैंक यू वेरी मच।